थी कि इमरान खान बड़ा हॉट फेवरेट है और इमरान खान और पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है दोनों अगर साथ होंगे तो शायद इंडिया से बात करना ज्यादा आसान होगी। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई जिसमें जो कैबिनेट ने ये कहा कि हम भारत से वीट और कॉटन इम्पोर्ट नहीं करेंगे और इमरान खान पीछे हट गए, दबके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो तो चाहती है कि टॉक्स हो, तो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो? ये तो उल्टी चीजें चल रही हैं यहाँ पे इस वक्त। इमरान खान साहब से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जिस किस्म की पर्सनालिटी वो हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे और खास तौर पर उनके क्रिकेट के जमाने में भारत के साथ जो उनका ताल्लुक रहा वहां पर उनकी फैन बेस बहुत ज्यादा है उसकी बुनियाद पर यह समझा जा रहा था। और आपको अगर याद हो कि इलेक्शन से पहले अपने ऑपोजिशन के जमाने में भी वो एक दफा भारत गए थे और नरेंद्र मोदी जो उस वक्त वजीर आजम बहरहाल नहीं थे उनसे मुलाकात उनकी हुई थी। देखिए इस किस्म के जो एनालिसिस होते हैं ना उसकी बुनियाद ये होती है, चाहे ये अंदाजे इमरान खान के बारे में लगाए जाएं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लगाए जाएं या नरेंद्र मोदी के बारे में लगाए जाएं, कि ये पर्सनालिटीज जो हैं ये मर्क्यूरियल किस्म की पर्सनालिटीज हैं, ये पॉलिटिकली करेक्ट होने पर हमेशा यकीन नहीं रखती, ये ऐसे फैसले कर सकती हैं जिनकी कोई कभी तवक्को नहीं करता। ये बात तो अपनी जगह ठीक है लेकिन इस किस्म की पर्सनालिटी का जो एक ड्रॉबैक है वो ये होता है कि ये अक्सर बहुत ज्यादा फार साइटेड नहीं होते और बहुत फ्लिमजी ग्राउंड्स पर ये डिसीजन ले भी जाते हैं और डिसीजन को रिवर्स भी कर लेते हैं। अब अगर आप इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है या जो उनका नैरेटिव है विज़वी इंडिया उसको देखें 2014 के धरने से लेकर 2018 में हुकूमत में आने तक, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पीस ये था कि हम भारत के साथ जो है वो बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हुक्मरान है उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे वो शायद भारत के आगे घुटने टेक गए हैं, वो मोदी के यार बन गए हैं, वो पाकिस्तान के मफादात पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उस नैरेटिव को उन्होंने बाकी चीजों की तरह इतना ज्यादा एस्केलेट कर दिया कि जब वो हुकूमत में आए तो वो एक तरह से उसके होस्टेज बन गए। उन्होंने शुरू में कुछ पीस ओवरचर्स दिखाए लेकिन उस वक्त जो है वो पुलवामा और उड़ी और उसके बाद की जो एक सिचुएशन चल रही थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो नैरेटिव था वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल था, वो एक हाई हॉर्स पे चढ़े हुए थे, उसे नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। एंड बाय द टाइम हमें कुछ ऐसा नजर आया कि शायद वो कुछ मेलो हो रहे हैं और बातचीत पर तैयार हैं, तो अगेन 2019 में अगस्त में जबकि इस हुकूमत को एक साल ही हुआ था तो कश्मीर हो गया और कश्मीर पर हमने जो आर्टिकल 370 पर एक स्टांस ले लिया है कि जब तक ये रिवोक नहीं होता हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे, उसमें एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई थी जब ये सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था और ये समझा गया था कि शायद इन तमाम स्टिकिंग पॉइंट्स के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं और उस पर मजीद बिल्ड कर सकते हैं। जनरल बाजवा की जो तकरीर थी उसने भी ये इंडिकेट किया कि एक विलिंगनेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में इस वक्त है। सो जो एक इल्जाम हमेशा लगाया जाता था भारत की तरफ से कि पाकिस्तान में हम किस से बात करें, सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो एक पेज पर ही नहीं होती, तो हम तो इस वक्त ये दावा करते हैं पाकिस्तान में कि दोनों एक पेज पर हैं, लेकिन हमने ये देखा कि उस फैसले पर जो बैकलैश सोशल मीडिया में आया मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है उसने वहां से यू टर्न लिया और उन्हें लगा कि हम इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज की ऑपोजिशन जो पाकिस्तान में है अब वो इल्जाम लगाना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब कश्मीर को बेच आए हैं, पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हालांकि मैं ऐसे तमाम लोगों से ये सवाल करता हूं कि अगर आप भी इस वक्त हुकूमत में होते तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते। सो ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग है ना दोनों तरफ, मुझे लगता है कि दोनों तरफ की हुकूमतें दोनों तरफ की एस्टैब्लिशमेंट शायद उसकी होस्टेज बन गई हैं और उन शैकल्स को ब्रेक नहीं कर पा रही। हमारे जो आर्मी आर्म फोर्सेस हैं वो जब मर्जी जो मर्जी फैसला कर लें और इंडिया से बात कर लें, लेकिन अभी या जिससे मर्जी बात कर लें वो जो सियासी हुकूमतें वो उनको साथ देंगी, लेकिन अभी की पोजीशन से ये पता चलता है कि कोई एक स्टेक होल्डर भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो कुछ भी अकेला कर ले। नवाज शरीफ अकेले डायलॉग करना चाहते थे तो इन्होंने करने ना दी, अभी अगर ये करना चाहते हैं तो ऑपोजिशन पूछ रही है भाई हमें बताओ कि तुम कौन सा कश्मीर का सौदा करने जा रहे हो।
तो ये अभी इमरान खान और अगर मिलिट्री जो है वो मिलकर फैसला भी करे कि हम बात करने हैं तो इमरान खान साथ नहीं देगा, इमरान खान सबकी टांगें कांपती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें ये पता चला और हमें इस नुकसान का पता चला कि जो हमने वक्त जाया कर दिया है मुल्क के अंदर अगर हम आहंगी नहीं होगी तो वो उसी तरह से है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार एक घर की मिसाल देते हैं कि जी एक घर के अंदर अगर कर्जा ज्यादा हो जाए तो वो घर कैसे चलेगा। तो आप ये भी समझे कि एक घर के अंदर अगर चार या पांच अफराद हैं या चार पांच भाई हैं और सब जो है वो एक दूसरे के साथ इत्तफाक नहीं करते, मुख्तलिफ सिमत में देख रहे हैं, तो फिर उस घर में होने वाले फैसलों की बुनियाद क्या होगी और घर के बाहर जो है उसको कितनी पजीराई मिलेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी शायद ये फैसला करना होगा कि वो गद्दारी के फतवे लोगों पर लगाना, वो ये फैसला करना कि कौन ज्यादा मुहिब्बे वतन है और कौन नहीं है, शायद इससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमने 70 साल में तो इसमें से कुछ अचीव नहीं किया, अगर कुछ अचीव हुआ है तो वो शायद एडवर्स ही है, उसका बेनिफिट हमें कोई नहीं हुआ। दूसरा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये भी सोचना होगा कि इस किस्म की जो पॉलिसी है, जो खास तौर पर जो आपके फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक्स हैं, उनमें एक तरह की कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। आज जनरल बाजवा जो है वो बजाहिर बहुत ज्यादा मुतहरिक है इस हवाले से, बहुत ज्यादा सिग्नल्स दे रहे हैं कि हमें इंडिया से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इनसे पहले हमने देखा कि जनरल राहील शरीफ जो है वो इस हवाले से कोई इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे। उनसे पहले हमने जनरल कियानी के दौर में थोड़ी बहुत बातचीत सुनी, लेकिन अगेन आई नो फॉर श्योर कि उस वक्त जब एमएफएन स्टेटस देने की बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दौर में इंडिया को, हालांकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो जो पब्लिक पॉस्चर था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो डिफरेंट था, जो मीटिंग्स इंटरनली हो रही थी उनमें थोड़ी बहुत फुट ड्रैगिंग की जा रही थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में अगेन हमने दो पॉलिसीज देखी, जब वो खुद उन्होंने इक्तदार नहीं संभाला था और इक्तदार संभालने के बाद उनकी भारत के साथ दो मुख्तलिफ पॉलिसियां रही। सो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि उन्हें एक सोच अपनानी होगी और उस सोच में फिर तब्दीली किसी शख्सियत की तब्दीली से नहीं होनी चाहिए, और जो रोल सियासतदानों का है वो सियासतदानों को देना पड़ेगा, क्योंकि आप किस इस जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको बाय फोर्स तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर स्प्रिंग बैक करता है जब भी उसको मौका मिलता है। और फाइनली हमारे सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ चीजें बहरहाल ऐसी होती हैं जो आपकी लोकल जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं उनसे मावरा होती हैं, आपको उन पर एक आवाज होकर बात करनी चाहिए। सो ये तमाम वो मसाइल हैं जिन पर मेरा ख्याल है कि हमें अब सोचने की जरूरत है। ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह हैं जिनकी मैंने बात की है, जब तक ये क्लैरिटी इनको नहीं आएगी मेरा ख्याल है कि हम इसी तरह 1 step forward 2 steps back होते रहेंगे।